बोलो बच्चों, 22nd क्वेश्चन हो गया। यस मैम। यस मैम। एंट्रीज वेरीफाई करवाने की जरूरत है? करवा देते एक बार, है ना? न्यू क्वेश्चन है। बोलो कि एंट्री पास की है। फर्स्ट एंट्री बोलो, गुडविल की एंट्री पास करती है? डिफरेंट एंट्री। रिया बेटा फर्स्ट एंट्री बोलो गुडविल की। मैम एक्स अकाउंट का एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या रिया क्या की है? गुडविल को डिवाइड की है? यस मैम, आपने पिछली बार बोला था कि रिटर्न ऑफ करना है गुडविल को। मैंने कब बोला था रिटर्न ऑफ करना है बेटा? मैंने कहा था इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। देखो The goodwill of the firm was valued at 4 lakh, but it was not appear in the book. So it means, beta, ये जो तुम्हारी goodwill है, ये self-generated goodwill है, purchase नहीं है। तो it means इसको हमने सिर्फ उस entry में pass करना है, adjusting entry में। अगर तुम्हारी goodwill balance sheet में दी होती है, तो उसे write off करते हैं पहले। गलत गलत apply किया रिया concept बच्चे। यहाँ पे गुडविल की एंट्री पहले पास करोगे, वही गेनर टू सैक्रिफाइजर वाली एडजस्टिंग एंट्री। सबने यही किया है क्या? साची तुमने क्या किया? राइट ऑफ ही करी थी। अरे राइट ऑफ क्यों की थी? कल लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को बोला है बेटा कि गुडविल को यहाँ पे अपीयर नहीं कर रही है बुक्स में, तो अगर अपीयर कर रही होती है तो यहाँ पे हम लोग राइट ऑफ करते हैं। यहाँ साफ लिखे इट वॉज नॉट टू अपियर इन द बुक्स, सो इट मीन्स एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे। जल्दी से करेक्ट करो इसकी, एडजस्टिंग एंट्री पास करो। ठीक है, बाकी बच्चे आ जा रहे हैं अभी तक। प्रियंका मैम, होगी बच्चों क्या एंट्री आई है? मैम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो। लैंड वाज वैल्यूड एट 8 लाख एंड फर्नीचर दिया हुआ प्लांट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, लैंड की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। लैंड एप्रिसिएट हो गया 3 लाख से, तो क्या एंट्री आएगी अक्षिता लैंड की? अक्षिता, रीवैल्यूएशन में इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड आता है बेटा, तो एंट्री क्या आएगी? अक्षिता एंट्री बोलो बच्चे। स्पर्श भी नहीं है। नंदनी एंट्री बोलो बेटा। मैम लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3 लाख। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट एट 720 एंड अर्लियर इट वाज 8 लाख, तो प्लांट की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है। अमूल्य एंट्री बोलो बेटा। अमूल्य अमूल्य राइट इन चैट बॉक्स। अमूल्य आर यू राइटिंग?
गीतल एंट्री बोलो बच्चे। मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स अकाउंट। हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट डिफरेंस के साथ, ठीक है 80,000 का डिफरेंस आएगा। मैम 80,000। हाँ नेक्स्ट बोलो प्रीत। नेक्स्ट एंट्री बोलो बताओ प्रीत। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। हाँ रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 20,000 गुड, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू भी डेप्रिसिएट हो रही है राइट। एंड बट टू अपीयर एट रिवैल्यूड अमाउंट। अच्छा चलो अभी हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, बस हो गई एंट्रीज खत्म। अब बच्चों 21st क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या है, बजाज एंड खुराना पार्टनर्स है 3:2 रेशियो के लिए। कहाँ गया हूँ बच्चों, तुम्हें स्क्रीन विजिबल है? यस यस मुझे नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हो रही मैम। नहीं हो रही ना प्रियंका मैम? प्रियंका मैम प्रियंका मैम Yes, Nandini, is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So, Bajaj and Khurana were partners sharing this in the ratio of profit 3:2. Balance sheet given hai bachcho. Fixed assets were revalued at 60,000. Earlier it was 50. So, there is appreciation of fixed asset by 10,000. Debtors valued at 12.5% more than the book value. Means debtors ki value bhi raise kar gayi. So they decided to share profit equally with effect from this. Record necessary journal entries without opening revaluation account. But so this is the only difference here, because we do not have to raise revaluation account here. So tumne yahan pe adjusting entry pass karni hai. Look at the board now. Board is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dekho bachcho. There is no need of raising revaluation account. मतलब अगर हम लोग इसकी normal entry करें तो जो debtors हैं वो appreciate हुए हैं, और क्या था एक कोई fixed asset था वो भी appreciate हुए, तो तुम normal entries करोगे the assets debit once entering हो नमित, so हम लोग normal entry pass करते हैं account debit हो गया to revaluation account, बट यहाँ पे रीवैल्यूएशन आना ही नहीं चाहिए एंट्रीज में, सो देयर इज नो नीड ऑफ रेजिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन दैट केस यू विल पास एन एडजस्टिंग एंट्री सेम गेनर टू सैक्रिफाइजर।
ठीक है, बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब तुमने करना है, दोनों एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, जितना भी अमाउंट है वो उसका गैप ले लिया, अमाउंट देख लेना क्या है, ये मेरी सपोजिशंस है. उसके बाद डेटर्स का अमाउंट देखना, डेटर्स भी आई थिंक 12.5% से रेज हो रहे हैं, राइट? तो वो तुमने डेटर्स पे कैलकुलेट करना है पहले, फिर वो अमाउंट निकालो, जितना भी अमाउंट आ रहा है, लेट इट बी 400, तो टोटल 5400. इस टोटल 5400 को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे इन देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर. इज इट क्लियर बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट रेज नहीं करना, इसलिए दैट इज गेनर टू सेक्रीफाइजर. सो के याद आ रहा है, क्लास है, ठीक है, गेनर टू सेक्रीफाइजर. तो जो भी तुम्हारा दोनों एसेट्स, दोनों एप्रिसिएट कर रहे हैं, तो दोनों को प्लस करोगे, टोटल को उनकी सेक्रीफाइसिंग शेयर में डिवाइड कर दोगे. क्लियर है बच्चों? यस मैम. करो फिर, सॉल्व करो क्वेश्चन को. फिक्स्ड एसेट्स 10,000 से बड़े हैं और डेटर्स आ गए तुम्हारे 12.5, 25/2 व्हिच इज ऑफ 4000, सो इट इज 500, राइट? तो 500 से रेज करके डेटर्स तुम्हारे, तो मतलब तुम्हारा 10,000 प्लस 500, 10,500 अमाउंट तुम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर में डिवाइड कर दोगे दोनों पार्टनर्स में. करो बच्चों जल्दी से इसे. स्पर्श बड़ी जल्दी याद आ गया, कहाँ थी बेटा? अक्षय एंड स्पर्श, बोथ ऑफ यू. ये भी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बच्चों जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होता है उसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड की न्यू? मैम ओल्ड. ओल्ड बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट होता है उसका शेयर न्यू पार्टनर को नहीं मिलता, तो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये. Now fixed assets are revalued at this. Stock is to be reduced by 10%. A provision for doubtful debtors to be made on debtors at 10%. Sundry creditors worth rupees 2000 were untraceable. Spurs, mute yourself, beta. Spurs, mute. Sundry creditors worth rupees 2000 were untraceable. Partners are agreed to distribute the reserves and profits in old ratio. Prepare revaluation account and give. Ma'am, ye yahin tak tha, Priyanka ma'am?
वैसे गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज होगा अभी आगे। चलो अब यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक टी शेप प्रोफॉर्मा बनाओ बच्चों रिवैल्यूएशन के लिए, टी शेप प्रोफॉर्मा बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखो क्वेश्चन में क्या क्या एंट्रीज गिवन है। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड एट 121,240 एंड अर्लियर इट वाज 143,600, तो मतलब डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन एसेट कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, डेबिट डेबिट साइड। तो तुम यहाँ पे लिखोगे फिक्स्ड एसेट ही है ना, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट अमाउंट डालो यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, अगेन देयर इज रिडक्शन इन एन एसेट सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो वहां पे फिर से लिखोगे टू स्टॉक 10% वैल्यू कम कर देना। टेन परसेंट वैल्यू जो भी है 10% निकालो वो अमाउंट डाल दो स्टॉक कितना है 48,000, 10% निकाल लिया 4800 आ गया। करिए बच्चों फर्स्ट टू ट्रांजैक्शंस। मैम उसमें 4800 जाएगा? हाँ 4800, जो भी गैप आता है बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज का जो भी गैप आता है वो गैप रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू नहीं रिकॉर्ड की जाती। तुम ये नहीं कर सकते कि 48,000 प्लस 10% वैल्यू 4,800 वो रिकॉर्ड करोगे, नहीं, सिर्फ तुमने डिफरेंस को रिकॉर्ड करना है, ओनली डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसे वो था तुम्हारा 143,600 ऊपर वाला और ये कितना था 121,000 आई थिंक, कर लिया बच्चों फर्स्ट टू ट्रांजैक्शंस कर ली? यस मैम। एक बार बोल दो आंसर रही है, डेबिट साइड फिक्स्ड एसेट्स कितना आ रहा है अमाउंट? मैम 22360। 22360 ओके। And stock to be reduced by 10%, it is 4800. Next क्या बच्चों, a provision on doubtful debts, it's to be made on debtors. मतलब फिर से liability raised हो रही है, provisions जो होते हैं doubtful debts के लिए liability को बढ़ाते हैं, किस side record किए जाएंगे? बोलो। When there is increase in liability, yes, debit side. So calculate the 10% of the debtors here. It is 2000. डेबिट साइड रिकॉर्ड करो उसे। यहां पे तुमने लिखना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। व्हाट एवर इज द अमाउंट राइट इट हियर। Now the last transaction is sundry creditors worth rupees 2000 were untraceable. So it means तुम्हारी liability जो है वो कम हो गई है। So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे by sundry creditors because decrease in liability was recorded on credit side. So by sundry creditors 2000 है ना amount?
अब तुमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, सारे अमाउंट डाल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो, यही साइड ज्यादा आ रही होगी तो इट मींस लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करो इसे, मैम डी वाली एडजस्टमेंट वापस समझाना, क्या समझाओ मुझे डी वाली? यस मैम। बच्चे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्थ रुपीस 2000 पर अनट्रेसेबल, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे क्रेडिटर्स थे बेटा 2000 के क्रेडिटर्स थे जो कि ट्रेस ही नहीं हुए थे, तो मतलब हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है, क्रेडिटर्स कम हो गए, 2000 से वैल्यू कम हो गई, हमें नहीं पता था। अर्लियर हमने क्रेडिटर्स देखो 8000 किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है कि 2000 के जो क्रेडिटर्स थे वो पहले ही पेड ऑफ थे, तो इसीलिए डिक्रीज इन लायबिलिटी है, इसीलिए हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर सांची? यस मैम। अब डिफरेंस निकालो, लॉस को ट्रांसफर करो, मतलब लॉस को कैलकुलेट करो जल्दी से। निकाल लिया बच्चों लॉस? यस मैम। कितना अमाउंट आ रहा है मैम? 2710। 26 27160 आर्टिकल्स को डिवाइड करके बेटा मैम, ए का 16296 और बी का 10864। हां ठीक है। अब बच्चों तुमने इन सब की जर्नल एंट्रीज करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दिवांश क्लास टाइमिंग्स क्या थे बेटा? नाउ रिमेम्बर एवरीवन, जर्नल एंट्रीज पास करते टाइम लॉस वाली एंट्री भी पास करनी है, उसे भूल मत जाना, और उसके बाद अपनी बैलेंस शीट चेक करो, लाइबिलिटी साइड क्या क्या गिवन है जो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन बताएगा? बोलो बच्चों लाइबिलिटी साइड क्या गिवन है? मैम जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, तो ये दोनों भी क्या होंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन देयर रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो,
ऑलवेज रिमेम्बर बच्चों, व्हाइल प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट इफ बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन देन जस्ट हैव अ लुक एट लायबिलिटीज एंड एसेट साइड. अगर वहां पे तुम्हारे वो एक्सपेंसेस एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस गिवन है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग ऑल द ओल्ड पार्टनर्स. तो ये हमेशा याद रखना, जब तुम एडमिशन के क्वेश्चंस भी करोगे तब भी ये काम करना ही करना है. तो जितना लायबिलिटी साइड एक्यूमुलेटेड रिजर्व होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो करना है. अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है उससे रिलेटेड, तो इट मीन्स इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो में अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली. इन द सेम वे एसेट साइड आ जाओ, क्या क्या गिवन है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. दोनों के अमाउंट को प्लस करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो दो एंट्रीज ये भी पास होंगी, क्योंकि तुम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस की कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू की भी कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो. बच्चों टुमारो इज योर ऑफ एंड ऑन मंडे यू विल हैव टेस्ट गुडविल वैल्यूएशन मेथड्स. आई वोंट बी एबल टू टेक योर क्लास टुमारो. तुम में से कोई खुश भी नहीं हुआ ऑफ के नाम पे? कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा किसी का. क्या बात, ले लू क्लास? मन नहीं लगेगा तुम लोगों का बिना पढ़े, है ना? दिव्या सेंड मी सम मैसेज. ओके थैंक यू, गुड. मेरे ऑफ्स ना बहुत रेयर रहते हैं, तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी ना, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते थे कि अगर मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी क्लास लेने, तो मैं मुझे लिटरली ऐसे होता है कि लिख के दे दो, पक्का आप नहीं आओगे ना, आपका कोई भरोसा नहीं है, कह के फिर आ जाओगे आप. तो तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं. एक्चुअली हम लोगों का ऑफलाइन कभी फेस टू फेस हुआ ही नहीं ना अभी सबका. ओके दिव्या एंजॉय, यू ओनली एंजॉय, फॉर रेस्ट आई विल टेक द क्लास देन.
यस मैम। यस मैम। हो गया एंट्रीज वेरीफाई करनी है एक बारी। यस मैम। मैम बैलेंस शीट वाली ठीक है बोलो एंट्रीज से कौन सी वाली जो तुमने सांची पहली एंट्री की है फिक्स्ड एसेट्स की वो बोलो बता। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अमाउंट बोलो 22,360। अच्छा तुमने जो भी डेबिट साइड है एसेट का बढ़ना सॉरी कम होना वो सारा अलग अलग पास किए बच्चे। यस मैम। बच्चों अगर तुम लोग चाहो ना तो इसकी कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें डेबिट हो रही है ना इधर तो तुम लोग कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे इन सबके अमाउंट और यहाँ पे टोटल अमाउंट क्योंकि ये सारे ही वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है तो कंबाइन वैल्यू कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो बीइंग नरेशन लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन राइट। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग डिफरेंट एंट्रीज यू कैन पास इवन अ सिंगल एंट्री। सेम वे तुम लोग लायबिलिटी साइड के लिए भी पास कर सकते हो बट इधर तो एक ही है अभी दूसरा तो प्रॉफिट की ही एंट्री है लॉस की सॉरी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके रिया स्टॉक वाली एंट्री बोलो बच्चे। मैम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट फॉर 48। नंदनी ठीक है नंदनी क्रेडिटर्स की एंट्री बोलो बच्चे। मैम सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000। हां बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज। ओके गीतल बेटा लॉस की एंट्री बोलो। गीतल लॉस की एंट्री बोलो बच्चे। गीतल नहीं आती गीतल नहीं आती कोई बात नहीं येस और नो तो बोलो बेटा। मैम श्योर नहीं हूँ मैम एज अकाउंट डेबिट बेटा बीज अकाउंट डेबिट टू री वैल्यूएशन अकाउंट ठीक है यही एंट्री है इसकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट दैट्स इट जो भी लॉस का अमाउंट था वो ट्रांसफर करना है। अच्छा अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री कौन बोलेगा? तुष्टि है क्लास में? तुष्टि ने भी क्लास नहीं करी इसमें। स्पर्श स्पर्श एंट्री दो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तुष्टि ने कहा था ना यस मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह ले लो क्लास। Still she is not present. Sparsh, ये वाली एंट्री नहीं आती? चल कोई बात नहीं पहले ही की है ये। रिया एंट्री बोलो। मैम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हाँ स्पर्श मैंने पहले भी तो बताया था बेटा कि जितने एक्युमुलेटेड रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं उनके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं जो इससे पहले टॉपिक आया था डिस्ट्रीब्यूशन का चेक का जहाँ रजिस्टर में लिखी है एंट्रीज ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं उस अमाउंट को। ये भी बताया था बैलेंस शीट बता के बना के ये लायबिलिटी साइड ये आइटम्स आती है और एसेट साइड ये आइटम्स आती है
साची एसेट साइड वाली एंट्री बोलो बच्चे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी हो तो ये भी मैंने बताया तुम लोगों को, एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास कर सकते हैं बच्चों, दो साइड दोनों आइटम गिवन है ना, एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास होगी बताओ मैम, उनका नेट इफेक्ट निकाल के। हाँ नेट इफेक्ट निकाल के मैम, अगर प्लस में आया तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, अगर माइनस में आया तो सैक्रिफाइजर टू गेनर। हाँ बिल्कुल। प्रियंका मैम। यस मैम। क्वेश्चन को रीड करना बच्चों एक बारी, आराम से रीड करना, दोनों पार्ट्स को अच्छे से रीड करो। कर लिया बच्चों रीड? रीड कर लो क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। देखो इसमें क्या दिया हुआ है लास्ट में, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द न्यू अरेंजमेंट विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। बच्चों हमने जो तुम्हारा चैप्टर किया था बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, उसमें मैंने तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था ना? यस मैम। बताया था ना? ठीक है, अभी तुमने एक काम करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं बनवाऊंगी, बैलेंस शीट भी मैं ही बनवाऊंगी। मैंने तुम्हें 21 इलस्ट्रेशन करवाया था, वहां पे भी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना था, तुमने एडजस्टिंग एंट्री पास की है, सेम इसमें भी तुमने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6000, क्या कहेंगे रिया इसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गुडविल है, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो जल्दी से एडजस्टिंग एंट्री पास करो गुडविल की, फिक्स्ड एसेट्स और क्रेडिटर की एडजस्टिंग एंट्री पास करो, और बैलेंस शीट में देखो कुछ रिजर्व्स वगैरह दिए हुए हैं लायबिलिटी और एसेट साइड। चेक करो बैलेंस शीट में बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया हुआ है, किस साइड दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिट बैलेंस है मतलब, और उसकी एंट्री तुमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारी एंट्रीज पास करो जल्दी से।
एक्सक्यूज मी मैम, यस रिया मैम, इसके अंदर हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो इसके अंदर माइनस करेंगे ना फिक्स्ड एसेट्स को उसके अंदर? नहीं नहीं वर अनट्रेसेबल है रिया, क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए अभी पीछे रिवैल्यूएशन में कराया तो है बेटा। फिक्स्ड एसेट्स कितने दिए हुए हैं मैम? डिफरेंस 15,000 आ रहा है। नहीं ये बताओ ना बड़े हैं फिक्स्ड एसेट्स की कम हुए हैं? मैम बड़े हैं। बड़े हैं तो मतलब क्रेडिट साइड आएगा? यस मैम। और क्रेडिटर्स वर्थ रुपीस 500 वर अनट्रेसेबल, तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है अभी पीछे रिवैल्यूएशन में किया है ना ये? यस मैम। तो दोनों ही क्रेडिट साइड के आइटम्स है तो प्लस करोगे? ओके मैम।
एंट्री होगी पास? यस मैम। कर लो दिव्य क्लास ज्वाइन, नो प्रॉब्लम बेटा। लास्ट का क्वेश्चन है, देख लेना अपना रिकॉर्डिंग में। अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर्स है बच्चों? तीन। यस मैम। क्या क्या नाम है? नवीन, विनय और धीरज। सांची एंट्रीज बोलना जो तुमने पास की है। सबसे पहले गुडविल की एंट्री की है। एडजस्टिंग एंट्री थी ना इसकी तो। हाँ एडजस्टिंग एंट्री है। नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू विनेश कैपिटल अकाउंट 400 टू धीरज कैपिटल अकाउंट 400। एंट्री चेक कर लेना अपनी। रिया सेकंड एंट्री बोलो रिवैल्यूएशन की, एडजस्टमेंट की। मैम नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू विनेश कैपिटल अकाउंट टू धीरज कैपिटल अकाउंट। मैम अमाउंट पॉइंट्स में आ रहा है मैम 2066.6 नवीन के अंदर अकाउंट में एंड बाकी में 1066। यस मैम। तो 33 ले लो, सेम आ गया ना 1033। यस मैम। नंदनी बेटा थर्ड एंट्री बोलना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना, क्रेडिट बैलेंस। नंदनी बोर्ड विजिबल है बच्चों? गीतल थर्ड एंट्री बोलो बेटा। गीतल थर्ड एंट्री बोलो बच्चे। सांची बोलो थर्ड एंट्री। मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4000 टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट 1600 टू विनेश कैपिटल अकाउंट 1600 और टू धीरज कैपिटल अकाउंट 800। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ये तीन एंट्रीज जहां जहां पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है उन सबकी लेजर पोस्टिंग यहाँ पे होगी। तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस गिवन है? बोलो मैम। नवीन का 5000। 5000 ये 5000 है नवीन का? यस मैम। विनय और धीरज का? मैम विनय का 20000 और धीरज का 10000।
तो सबसे पहले बैलेंसेस डाल लिए, अब फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री नवीन टू विनय टू धीरज है, किसको आती है लेजर पोस्टिंग इसकी? रिया याद है लेजर पोस्टिंग? सांची आती है लेजर पोस्टिंग एंट्री की? मैम किसकी करनी है? यस मैम, फर्स्ट एंट्री की। नवीन में टू, देखो इधर नवीन डेबिट हो रहा है, हमने नवीन में एंट्री पास करनी है, तो विनय और धीरज वैसे क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ के डेबिट हो जाएंगे, तो टू विनय टू धीरज, अमाउंट जाएगा नवीन के कॉलम में। समझ आ गई एंट्री क्या की है? लेजर पोस्टिंग करनी आती है ना सबके, प्रश्न में की होगी। अब तुमने क्या करना है, विनय और धीरज के अकाउंट में पास करना है, तो ये डेबिट हो रहा है, इतना भी क्रेडिट हो जाएगा बाय नवीन। अमाउंट विनय और धीरज के कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड भी सेम वे तुमने पास करनी है, टू विनय एंड धीरज, यहाँ पे बाय नवीन, ठीक है, सेकंड एंट्री भी पास होगी। थर्ड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये सारे क्रेडिट हो रहे हैं, तो इधर आके डेबिट हो जाएंगे, टू क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों के अमाउंट में, तीनों के कॉलम में अमाउंट, अब बैलेंस करो इसे। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में अभी? मैम एक चीज पूछनी है, एक मिनट, ये डेबिट हो रहा है ना, हाँ इधर अभी क्रेडिट होगा, ये हाँ बोल सांची क्या पूछ रहे? जब एंट्री करी पहली वाली नवीन कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री जब करी, तो हाँ? ये जब डेबिट साइड जब हमने टू विनय और टू धीरज लिखा है, तो अमाउंट धीरज में क्यों? बेटा ऐसी तो होता है, कॉन्ट्रा एंट्री टाइप होती है ना, देख हम लोग क्या कर रहे हैं, नवीन के कॉलम में एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है, जब हम नवीन के कॉलम में एंट्री पास कर रहे हैं तो अमाउंट भी तो नवीन के कॉलम में जाएगा, नवीन डेबिट हो रहा है, तो ये दोनों इसके रिवर्स एंट्री जाएगी ना, नवीन का अकाउंट तो यही है, उसको ही छेड़ रहे, अमाउंट नवीन में ही जाएगा, तो विनय और धीरज आ गया, अब विनय और धीरज में नहीं आएगी, फिर तो विनय और धीरज का अमाउंट विनय और धीरज के पास ही रह गया, लेकिन ये अमाउंट है किसका? नवीन का, तो नवीन के कॉलम में अमाउंट जाएंगे दोनों, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, धीरज का कॉलम में डाला हुआ है, ओ सॉरी धीरज के कॉलम में डाल दिया अमाउंट, है ना, विनय और धीरज मैम इसमें भी ऐसी किया हुआ आपने, नवीन के कॉलम में डाला, बोल सही रही और डाल गलत रही, मुझे लगा नवीन यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सॉरी हाँ, ठीक है, थैंक यू सांची। तो विनय और धीरज का अमाउंट नवीन के कॉलम में, अगेन यहाँ पे भी विनय और धीरज का अमाउंट नवीन के कॉलम में, और नवीन में विनय, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, विनय और धीरज में डालना है, मैं नवीन की कंफ्यूजन में रह गया, आई थॉट कि मैंने नवीन लास्ट में लिखा हुआ है, देखो क्लियर है बच्चों अभी? अब इसका बैलेंस करना है, बैलेंसिंग करो दोनों साइड,
मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया हुआ है आपने? मैम नवीन का 800 है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? एक मिनट यार, तुम लोगों ने मुझे क्वेश्चन गलत बोला होगा बच्चों। क्वेश्चन रीड करना जरा, विनय धीरज और नवीन है। और तुमने मुझे नवीन विनय और धीरज लिखवाया हुआ है। मैंने पूछा था ना कौन है कौन है, पहले जल्दी बताओ। क्वेश्चन रीड करो, विनय धीरज और नवीन पहले है। सारा क्वेश्चन गलत करवा दिया। सारे अमाउंट गलत हो गए बच्चों। तुमने मुझे ये सीक्वेंस गलत, प्रॉफिट एंड लॉस पे ही होगा बेटा, ये तुमने सीक्वेंस गलत बोली हुई है। ये विनय है, उसके बाद धीरज है, फिर नवीन है। मैम मैंने नोटबुक में सही किया हुआ है। तुमने नोटबुक में क्या लिखा हुआ है? विनय धीरज और नवीन लिखा हुआ है। मुझे डिक्टेट क्या yes, किया था? नवीन एंड धीरज। तो मुझे अब तुम लोगों ने गलत डिक्टेट किया हुआ था। अभी एंट्री पास करना खुद जैसे बताएंगे बिल्कुल वैसे ही करनी है। पहला कौन है? विनय। उसके बाद कौन है? धीरज। यस मैम। उसके बाद नवीन है। यहाँ पे ये ठीक है एंट्री? ये भी गलत है, ये भी गलत है ना एंट्री तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी? यस मैम वो नाम गलत एंट्री, पूरा क्वेश्चन गलत करवा दिया, टाइम भी निकल गया। बोलो क्या है? टू विनय, टू धीरज और टू नवीन। टू नवीन, तो इट मींस अमाउंट सारे चेंज हो गए ना। ये 1600 है, ये भी 1600 है, ये 800 है ना। यस ये एंट्री ठीक थी, ये तो चलो एडजस्टिंग एंट्री है तो ठीक ही होंगी। आप बताओ कर लोगे पास? बैलेंसेस बोलो कितनी है? वही है रिया बैलेंस, 5, 20, 10। मैं ही चेक कर लू फिर कहीं गड़बड़ कर दू। मैम विनय का 20,000 है। हाँ तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन उल्टा करवा के रख दिया। बीस दस पांच, हाँ देखो टू विनय टू धीरज जाएगा, अमाउंट नवीन के कॉलम में। और इसका बाय नवीन, सेम इधर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन तीनों के अकाउंट में डालना है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस करना, यहां पे निकालना है टू बैलेंस, कैरी डाउन कर लोगे इसे? यस मैम।
अब इसके बाद ना इसमें बैलेंस शीट बनानी है, चलो वो नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, बैलेंस निकाल के रखना, ठीक है बच्चों? बाय, ये नोट कर लेना। थैंक यू मैम। बाय।